रितेश ने किया रोकर अपना हाल ही दिलवाया। जी हाँ, इन दिनों राखी सावंत और रितेश का डाइवोर्स चर्चाओं का विषय है। राखी सावंत और रितेश ने बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद कुछ वक्त साथ में बिताया और काफी ज्यादा नजदीकियां भी देखने को मिली, लेकिन अब सडन उन लोगों ने तलाक ले लिया है, जिस पर राखी ने अपने दिल को ये बताया है सबके सामने कि रितेश ने मुझे छोड़ा और मुझ पर यह आरोप लगाया है कि तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। अब ऐसे में रितेश ने एक पोस्ट के माध्यम से ये खुलासा किया है कि आखिरकार उन पर क्या बीत रही हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि इन यादों को मिटाया नहीं जा सकता है या फिर जरूरत है। वो बताते हैं कि मैंने बहुत कुछ चीजें की हैं, लेकिन फिर भी अगर लोग खुश नहीं होते तो क्या किया जा सकता है। एक कंप्यूटर इंजीनियर से मैं सीधा रातों रात एक बिग बॉस का कंटेंडर बन गया। पूरी सच्चाई के साथ रहा, कोई भी गेम या फिर झूठा नाटक नहीं किया, कोई एक्टिंग नहीं दिखाई, सच्चाई से गेम खेला, पहली बार नाचा, जो कुछ किया सब कुछ कर सकता था किया, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हुए। घर से बाहर निकल आया, बाहर लोगों के ताने सुने और यहाँ पर बाहर आने के बाद इस तरह से बातें। ये जो फालतू का झूठा ड्रामा या नाटक है, ये हमें ब्रेड बटर नहीं दे सकता है, ये मैं बात जानता हूँ। अगर मुझे फेम ही चाहिए होता तो ये 2 साल पहले ही कर लिया होता। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मैं अगर किसी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं झूठा नाटक नहीं कर सकता, झूठा दिखावा नहीं कर सकता कि जिससे मेरा दिल ना मिले उसके सामने फालतू में खुश होकर दिखाऊं कि हाँ तुम अच्छे मैं अच्छे, फालतू की पार्टियों में जाकर ये फेम गेम खेलूं मैं, मुझसे नहीं होता। एज सिंपल एज दैट, अगर वो खुश नहीं हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, 100% कोशिश की है। राखी और रितेश दोनों के ही बयान अलग अलग है। अब सच्चाई किसके बयान में है? या तो राखी ने रितेश को छोड़ा है या रितेश ने राखी को। सच्चाई तो बस ये दो ही जानते हैं, बाकी सब तो इन दोनों के बयानों पर ही सामने आ रहा है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।